हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 25 तारीख की वर्कशीट और ये है क्रियाकलाप 71। तो ये 71 नंबर की वर्कशीट है और कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए है। यहाँ लिखेंगे आप अपना नाम, बच्चे का नाम, यहाँ लिखेंगे कक्षा व भाग, यहाँ अपनी क्लास और सेक्शन, अध्यापक अध्यापिका का नाम, यहाँ टीचर का नाम आएगा। अब चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। आकृतियों का खेल। राहुल के जन्मदिन पर आपने बहुत सी आकृतियों के बारे में जाना। आइए अब इन आकृतियों के बारे में और अधिक जानें। नीचे दी गई तालिका को भरिए। तो अब हम आकृतियां मतलब शेप, इंग्लिश में कहते हैं शेप। तो अब हम इन आकृतियों के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे डिटेल में। अब हमें इस तालिका को भरना है। तो पहला है आकृति का नाम जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। हमें यहाँ उसकी आकृति बनानी है। कोनों की संख्या, उसके कितने कॉर्नर हैं वो लिखने हैं। भुजाओं की संख्या, उसकी कितने साइड हैं, कितनी भुजा हैं वो लिखना है। तो पहली आकृति है वर्ग, जिसे शेप, जिसे स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में, इट इज स्क्वायर। अब हिंदी में हो गया वर्ग, इंग्लिश में हो गया स्क्वायर। इसकी आकृति कैसे होती है तो आइए देखते हैं। ये है वर्ग। वर्ग में क्या है, चारों तरफ चारों भुजाएं जो इसकी हैं वो बराबर हैं। तो इसके कोनों की संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4। तो इसके कोनों की संख्या हो गई 4। अब इसकी भुजाएं कितनी हैं तो आइए देखते हैं। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। तो इसकी भुजाएं हो गई 4। अब आते हैं दूसरी आकृति पे, वो है त्रिभुज। अब त्रिभुज की आकृति कैसे बनाते हैं, ये रहा त्रिभुज। अब त्रिभुज की कोनों की संख्या, कितने कोने हैं, 1, 2, 3। तो इसकी कोनों की संख्या हो गई 3। अब हमें बताना है कि इसके भुजाओं की संख्या कितनी है तो आइए देखते हैं, 1, 2, 3। तो इसकी भुजाएं हो गई 3। अगला है गोला। गोला तो सभी को पता है, इसकी आकृति ये रही। अब कोनों की संख्या, क्या गोले में कोई कोना है, इसमें कोई कोना नहीं है। तो इसकी संख्या हो गई 0। भुजाओं की संख्या, क्या कोई भुजा दिख रही है, नहीं। तो इसकी भुजा हो गई 0। अब आते हैं अगले आकृति पे, ये है आयत। आयत की आकृति ये है, इसमें चारों तरफ चारों भुजाएं ये बराबर नहीं होती, इसमें ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है। ये और ये बराबर है, आमने सामने ये और ये बराबर है। अब इसके कोनों की संख्या कितनी है, चलो आइए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसके कोने हो गए 4। भुजाएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसकी भुजाएं हो गई 4। अब आपका ये पहला प्रश्न पूरा हो गया। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। नीचे प्रश्न में दी गई आकृति बनाकर देखिए और पता लगाइए कि हमें कौन सी नई आकृति प्राप्त होगी यदि। तो पहले तो जो हमें आकृति बोली है हमें वो बनाना है, फिर क्या करना है जो आगे उन्होंने उसके आगे बोला है करने के लिए। जैसे कि पहला वाला, हम वर्ग को बीच में से आधा कर दे। तो पहले क्या बनाना है, वर्ग। तो पहले हम बनाएंगे वर्ग। अब वर्ग में उन्होंने बोला है कि अगर वर्ग को बीच में से आधा कर दे। अब इन्होंने यहां नहीं लिखा है कि बीच में कहां से, ऊपर वर्टिकल ऐसे सीधे में काटना है, ऐसे में काटना है या टेढ़े में काटना है। तो मैं आपको दो तरीके से करके दिखाती हूँ।
पहला, अगर हम वर्ग को ऐसे बीच में से काट दें, उसको आधा कर दें, तो क्या होगा? हमें नई जो आकृति मिलेगी वो कैसी आकृति मिलेगी? वो कुछ ऐसी आकृति मिलेगी, और इस आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब अगर मैं वर्ग को बीच में से सीधा काट दूं, तो कौन सी आकृति मिलेगी? तो कुछ ऐसी आकृति मिलेंगी हमें, और इस आकृति को कहते हैं आयत। और अगर मैं इसी वर्ग को यहां से काट दूं ऐसे, तो फिर से हमें क्या मिलेगा? आयत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम गोल को बीच में से आधा कर दें, अगर हमारे पास गोल है और उसे बीच में से आधा कर दें, तो अब आप देखेंगे, अगर मैं गोल को यहां से आधा करूं या यहां से आधा करूं, हमें एक ही तरीके का क्या मिलेगा? एक ही तरह की आकृति मिलेगी। ये देखिए, ऐसे काटें या ऐसे काटें या बीच से काटें, तो हमें इसे आधा करने से सेम ऐसे ही आकृति मिलेगी। अब इस आकृति को कहते क्या हैं? इसे अर्धवृत्त कहते हैं या आधा गोला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके अगला प्रश्न है, हम दो त्रिभुजों को एक साथ रख दें। अब दो त्रिभुज हैं, अगर मैं इन्हें एक साथ रख दूं, तो क्या मिलेगा? तो हमें ये कौन सा है? ये आकृति है आपकी वर्ग। तो हमें कौन सी आकृति मिल गई? वर्ग। तो यहाँ पे आपका ये तीसरा सवाल भी पूरा हुआ। ये रहा आपका आखिरी सवाल। ये है, नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज की आकृतियों पर सही का निशान लगाइए। तो अब हम सबको पता है त्रिभुज क्या है, जिसके तीन कोने हैं, तीन भुजाएं हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। ये रहा त्रिभुज एक, ये रहा दूसरा त्रिभुज, ये भी है तीसरा त्रिभुज, इसके भी तीन कोने और तीन भुजाएं हैं, ये भी है त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज, ये भी त्रिभुज है, एक दो तीन ये भी त्रिभुज है, एक दो तीन ये भी त्रिभुज है, और ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आखिरी त्रिभुज हमारा ये है। तो आपकी वर्कशीट यहाँ पे पूरी हो गई, आपके तीनों प्रश्न पूरे हो गए हैं, और यहाँ पे आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वर्कशीट को आप मिस ना करें। थैंक यू।